हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा हूँ और मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लाइफ भी कितनी अजीब होती है ना? कभी-कभी तो लगता है कि ऐसे ही बस गुजरती जा रही है। इतना खुश होते हैं हम लोग कि लगता है कि इन पलों को पकड़ के रख लें बस, पर ऐसा हम कर नहीं पाते। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये सारे दुख, ये सारे गम मेरे ही हिस्से में क्यों आते हैं? लाइफ इतनी बोझिल लगने लग जाती है। और कभी कभी तो इससे आगे की भी सोच आने लग जाती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे और नहीं जीना। तो अगर आप भी इसी किसी दौर से गुजर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब और मुझे नहीं जीना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ऐसा सभी के साथ होता है। पर ऐसे कई लोग हैं जो इस सिचुएशन से निकल के और लाइफ को इतनी जिंदा दिली से जीना शुरू कर देते हैं कि वो एक उदाहरण बन जाते हैं, वो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल बन जाए। तो इसके लिए आपको मैं आज 5 तरीके बताऊंगी। बहुत ही सिंपल, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। ये करने से आपको ये फीलिंग्स आनी बंद हो जाएंगी कि अब मुझे ये लाइफ नहीं जीनी है। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपको बहुत मजा आएगा करने में। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको करना है वो है, सुबह उठते ही, चाहे तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे ही या बिस्तर पे बैठ के आंखें बंद करके एक बार बहुत ही फीलिंग्स के साथ खुद से कहिए, आई एम ऑसम, मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं। और उसके साथ साथ ही सेकंड सेंटेंस में कहिए, थैंक यू गॉड, आई एम ऑसम, थैंक यू गॉड, मैं बहुत अच्छी हूं, थैंक यू गॉड, मैं बहुत अच्छा हूं, थैंक यू गॉड। जब आप खुद को अच्छा बोलते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आप अच्छे हैं। अगर कोई नहीं बोलता है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है जो आपको इस तरह से बोलता है, तो आप खुद को बोलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हम अपने आप के खुद होते हैं। और हम सबसे ज्यादा अपने आप को पहचानते हैं। हमें पता है कि हमने क्या अच्छे काम किए हैं, हमने किसके साथ क्या अच्छा किया है, और इसीलिए हम अच्छे हैं। और थैंक यू गॉड इसलिए बोलना है क्योंकि बहुत अच्छा होने पर कई बार प्राउड हम फील करते हैं, बहुत घमंड का एक भाव आ जाता है। वो चीज आने पर लाइफ फिर से दुखी हो सकती है या कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हम गॉड को थैंक यू कह के खुद को हम्बल रखेंगे, खुद को हम थोड़ा सा बैलेंस्ड रखेंगे, दिमाग में ये फितूर नहीं आने देंगे कि हम अच्छे हैं, इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छे हैं, लेकिन हमें अच्छा बनाने में उस शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आप प्रकृति को मानते होंगे या किसी ऐसी अद्वितीय शक्ति को मानते होंगे जो कि जिसने आपको आपका जीवन दिया है, उस शक्ति को आप धन्यवाद कहिए। या आप अपनी मम्मी को, पापा को, जिनसे भी आपको लाइफ मिला है, उनको आपको धन्यवाद करना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, भगवान या शक्ति जिसको आप मानते हैं, उनको आप धन्यवाद कहिए, ये कहने के साथ साथ कि मैं बहुत अच्छा या अच्छी हूं। दूसरा काम जो आपको करना है, जब आप नहा धोकर दिन में तैयार हो जाते हैं, जब आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करते हैं, जब आप एक बहुत अच्छे मूड में अगर नहीं भी हो, बहुत अच्छा आपको एक आपके लुक्स हो जाते हैं, आप एक रिफ्रेशिंग मूड में होते हैं, बहुत ही ज्यादा ताजगी आपके अंदर आ जाती है, उस टाइम पर आप एक शीशे के सामने खड़े होकर और जोर से कहेंगे, मन में नहीं इस बार, जोर से कहेंगे आई लव यू, एक स्माइल के साथ, एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ। कैसे वाली? इस तरह की एक स्माइल देंगे और कहेंगे आई लव यू। किससे कहेंगे? जो आपको आईने में यानी मिरर में, शीशे में दिख रहा है उसको, यानी अपने आप को। दोस्तों, कई बार हम अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं, हम अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं। हम भी उतने ही इंसान हैं जितने हमारे आसपास के लोग हैं, जितने हमारे परिवार के लोग हैं। हम उन्हें तो बहुत प्यार करते हैं, पर अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं। और जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, आपको एक अच्छी वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, या आप उस टाइम को याद कीजिए जब आपके
कि लाइफ में बहुत खुशी थी, आप बहुत खुश रहते थे। उस टाइम की बात अगर आप सोचेंगे तो उस टाइम आप अपने आप को बहुत पसंद करते थे। अभी भी आप अपने आप को अपना फेवरेट बनाइए और कहिए आई लव यू। अगर आपको आपके घर में उस वक्त कोई रहता है, आपको ये बोलने में ऑकवर्ड लगेगा पहले 1-2 दिन में, थोड़े दिन में आपको 1 या 2 या 3-4 दिन में ये चीज अजीब नहीं लगेगी ये करना। शुरू में आपको अजीब लगेगा, तो हो सकता है आपको सबके सामने करना ये अच्छा नहीं लगे, तो आप ऐसा कीजिए, वॉशरूम में जाइए, बंद कीजिए उसको, और उस शीशे के सामने बहुत ही फीलिंग के साथ, एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहिए आई लव यू अपने आप से। ये आपको रोज करना है, और एक बार नहीं, आप चाहे तो कई बार कर सकते हैं, एक बार तो करना ही है। ये हो गई आपकी दूसरी बात। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको? आपको एक डायरी लेनी है और उस डायरी में आपको कुछ लिखना है। डायरी की जगह आप कागज भी ले सकते हैं और अगर कोई कॉपी भी ले सकते हैं, कुछ भी जिसमें आप रोज लिख सके। और उसमें आपको लिखना क्या है? रोज आपको उसमें 5 मिनट निकाल के दिन में से ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ में कौन सी 3 चीजों के लिए थैंकफुल हैं। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं आपकी जिंदगी में जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं? ये कुछ भी चीजें हो सकती हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी आपकी गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, आप वैकेशन पे गए थे वो हो सकता है, आपको कुछ अच्छी चीजें मिली हैं, कुछ आपको बहुत आपके आपको अच्छा लगता है, वो चीजें हो सकती है। या फिर छोटी से छोटी चीज हो सकती है जो कि बहुत बड़ी होती है पर हमें वो बड़ी लगती नहीं है। जैसे आपके टेबल पर, आपके प्लेट पर तीनों टाइम खाना रहता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। आपको कपड़े आपकी अलमारी में भरे पड़े हैं, उनके लिए आप थैंकफुल होइए। कई लोगों को कपड़े भी नहीं मिलते। आपके पास घर है, छत है, सिर्फ छत भी अगर छोटा सा भी घर है, एक कमरे का भी घर है, आप अगर किराए पे भी रहते हैं तो भी आपके सर के ऊपर छत है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सड़कों पर दिन गुजारने पड़ते हैं। हम ऐसी चीजों के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, हमें ये चीजें कुछ लगती ही नहीं है। हमारा हेल्थ हमारे साथ है, हम मोस्टली बीमार नहीं रहते हैं, ठीक रहते हैं, हमारे हाथ पैर हैं हमारे पास। कई लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं होती, और ये बहुत बड़ी नेमतें हैं हमारे लिए, इनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें क्या होता है, हम लाइफ में हमारा जो माइंड है वो केवल परेशानियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे मैग्नेट होता है ना, वो लोहे की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमारा माइंड जो है वो सिर्फ परेशानियों की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों होता है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, पर अभी ये समझ लीजिए कि हमारा माइंड जो है सिर्फ परेशानियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इसीलिए जो हमारे पास अच्छी चीजें हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो हमें दिन में एक बार 3 ऐसी चीजों को याद करके लिखना है कि हम किन 3 चीजों के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये हो गया आपका तीसरा काम। अब चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको रोज 3 नए लोगों से मिलना है। जी हाँ, आपको रोज 3 नए लोगों से मिलना है, चाहे आप उनको दोस्त आगे के लिए बनाएं कि ना बनाएं, आपको केवल मिलना है। हम लाइफ हमें हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने गमों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, कि हम लोगों को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। और क्योंकि हम जो इंसान है सोशल एनिमल है, हम सामाजिक जीव है, जब तक हम लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी जाते हैं, ऑफिस में, घर घर के बाहर, आपके पड़ोस में, दुकानों पे, बाजारों में, सिनेमा हॉल में, लिफ्ट में भी, कहीं पर भी जहां पे आपको कोई नया ऐसा बंदा दिख जाए जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ, इससे मैं इसको मैं स्माइल भी दे सकता या दे सकती हूँ, या इससे मैं बात कर सकता हूँ, कुछ नहीं तो हेलो बोल दीजिए, नमस्कार बोल दीजिए, नाम पूछ लीजिए, कुछ भी, या तो सिर्फ एक स्माइल ही दे दीजिए। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो आप फिर बात भी हो जाएगी उनसे। पर आपको 3 नए लोगों के साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना है। अगर आपको स्माइल भी देते हैं आप, तो भी वो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है।
और इसके साथ ही इन तीन लोगों में से एक जने की या फिर इन तीनों लोगों के अलावा एक जने की आपको रोज मदद करनी है। मदद पैसों से या चीजों से ही नहीं होती, किसी भी तरह की छोटी मोटी कुछ भी मदद, जैसे किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाई में हेल्प कर दी, अपनी मेट से आपने हंस के बोल लिया, उससे हाल पूछ लिया, उसकी कोई तकलीफ दुख तकलीफ है वो पूछ लिया, अगर आपके बस में है तो उसको थोड़ा सा आपने हेल्प कर दिया, उसको मनोबल बढ़ा दिया, वो भी उसका हेल्प करना ही हुआ। इस तरह की छोटी छोटी बातें, रास्ते में कोई है आपको कोई ब्लाइंड पर्सन दिख जाता है उसको रास्ता पार करा दिया, पर हाँ ध्यान रखिएगा उसी को कराइएगा जो रास्ता पार करना चाहता हो, नहीं तो वो मदद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऐसा है, इसी तरह की छोटी छोटी कोई भी ऑफिस में किसी कलीग को कोई हेल्प चाहिए वो आपने कर दी, कोई रास्ते में चलता भूखा बच्चा दिख गया उसको कुछ खरीद के खिला दिया आपने, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीजें, मदद, देखिएगा बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको लाइफ बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लाइफ में जब भी किसी की मदद करते हैं तो हम अपने आप को उससे बड़ा बनाते हैं, और जब आपको खुद के अंदर फीलिंग ये आएगी कि मैं इम्पोर्टेंट हूं, मैं लोगों के काम आता हूं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लाइफ में अच्छा लगने लगेगा। करके देखिए, उसके बाद बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कभी भी आप आके लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको मुझे एक पांचवी बात और बतानी है जो आपको करना है अपनी लाइफ को खुश बनाने के लिए, तो वो ये है कि जो डायरी आपने बनाई थी जिसमें आप सुबह या दिन में कभी भी लिखते हैं कि आप तीन तीन किन चीजों के लिए सबसे ज्यादा थैंकफुल है, उसी डायरी में रात को सोने से पहले आपको सारे दिन में हुई तीन ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको या तो नई लगी हो, या उससे आपने कुछ सीखा हो, या जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं आपको ये गारंटी देती हूं कि आपको दिन में ऐसा एक नहीं कई पल होंगे जहां पे आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, पर क्योंकि हमारा माइंड परेशानियों की तरफ जाता है इसलिए हम खुशियों वाली बातें भूल जाते हैं। तो अभी हमें ध्यान से याद करके रात को सोने से पहले तीन ऐसी चीजें लिखनी है जो या तो आपके लिए लर्निंग है, या फिर आपको वो उसने खुशी दी है उस पल ने, क्योंकि आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं दिन में, आप याद कीजिए और वो आपको बहुत खुशी भी देने वाला है। उसके अलावा भी कोई खुशी का पल आ सकता है, आपके बच्चे ने आपको हग किया, या कोई किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, आपकी प्रशंसा की, उन सारी चीजों से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, लेकिन हम वो भूल जाते हैं इसीलिए हम खुश नहीं रह पाते। तो वो तीन चीजें आपको ऐसी लिखनी है रात को सोने से पहले उस डायरी में जहां पे आपको बहुत ही अच्छा महसूस किया हो या आपने कोई नई चीज सीखी हो। ये हो गई आपकी पांच बातें। तो सबसे पहला था आपको सुबह उठ के अपने आप को अच्छा कहना है, आई एम ऑसम, थैंक यू गॉड। दूसरा, नहाने के बाद जब आप बिल्कुल ताजा फील कर रहे हो, आईने के सामने खड़ा होना है, बड़ी सी स्माइल देनी है और कहना है आई लव यू अपने आप को। तीसरा जो करना है, डायरी में लिखना है कि तीन ऐसी चीजें क्या हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, रोज करना है। चौथी चीज जो आपको करनी है, तीन नए लोगों से मिलना है और एक की मदद करनी है, जो कि तीन में से भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। और पांचवी चीज जो आपको करनी है वो है रात को सोने से पहले डायरी में तीन ऐसी चीजें लिखनी है जो आपके लिए या तो नई लर्निंग है या जिनसे आपको बहुत खुशी मिली है। ये हो गए पांच स्टेप। इन चीजों को आप एटलीस्ट 30 दिनों तक करेंगे, 1 महीने तक। आपको मैं ये बता दूं कि 1 महीना भी नहीं लगेगा आपको, आप मुश्किल से 7-8 दिन के बाद से ही इतना ज्यादा खुशी महसूस करने लग जाएंगे और आपको इतने नए दोस्त भी मिलेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी खुश वाली लाइफ हो जाएगी। और अब आप शायद ये गाना भी गाना शुरू कर दे सकते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है। तो अगर आपको ये चीजें लगता है कि यूजफुल है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी अगर आप लाइक नहीं करना चाहते हैं, आप इसको आजमाना चाहते हैं इन तरीकों को, तो आप इन तरीकों को आजमाइए, उसके बाद आकर इसमें कमेंट लिखिए आपको कैसा फील हुआ, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आप लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि
क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपकी लाइफ बहुत खुशहाल बने, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। तो आप बहुत खुश रहें, बहुत तरक्की करें, आपकी लाइफ बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी हो। इसके साथ ही मैं आपको बाय कहती हूँ आज के लिए। नमस्कार।